गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। यस मैम। ओके। यस मैम। यस मैम। नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज हमने आपको नोट्स तो नहीं बनाया है, लेकिन हम बुक से ही आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो आज हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहते, कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द पार्ट 90% ऑफ दिस चैप्टर कवर टुडे, आज कवर हो जाए। ठीक है, इससे कोई भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, जो भी क्रॉस क्वेश्चन करना होगा वो हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक, आवाज की दिक्कत होगी तभी कोई बोलेगा, अदरवाइज कुछ कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके मैम, मैम पेज नंबर बता दीजिए कौन से पेज पे है। पेज नंबर कैसे बता दे बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। देखिए मेरे पास इस समय जो बुक है वो है पीएस कुशवाहा की, इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, तो हिंदी वाले वर्जन में कौन सा पेज नंबर है नहीं बता पाऊंगा मैम, बता दीजिए आपकी होगा। अरे बस बता दीजिए आप अपना किसी भी सब किसी भी बुक का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर खोल लीजिए। ओके मैम। ठीक है, उसको खोल लीजिए और उसके बाद टॉपिक जो हम समझाएंगे आप वो समझिएगा, बाकी जो चीज बोलेंगे कि इसको आप अपने आप कर सकते हैं उस पर टिक लगा लीजिएगा कि आपको खुद करना है। ठीक है, अब हम आप सबको म्यूट कर रहे हैं। okay. और म्यूट करने के बाद आपको हम अलाउ नहीं करेंगे अपने आप अनम्यूट करने के लिए। ठीक, हमने आपको अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया है। आवाज वगैरह अगर सब क्लियर है तो चैट पे लिखकर आप बता सकते हैं, हम कंटिन्यू करें। आवाज आ रही है? ओके, चलिए। ये दिख रहा है आपको बच्चों, दिख रहा है? रुकिए हम इसे लैंडस्केप में कर देते हैं, क्योंकि ऐसे छोटा दिखेगा आपको। बच्चों दिख रहा है? चैट में बताइए हमें क्लिक कर। ओके चलिए,
आज हमारा जो नया चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर हम लोग के सिलेबस में जो है हमारा सिलेबस क्या क्या है इसमें, क्योंकि बुक में बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं लेकिन हमें सिलेबस के अंदर रहकर ही काम करना है। तो सिलेबस हमारा जो है, आप अपनी बुक में सिलेबस अपना देख लीजिए कि आपका सिलेबस है। सिलेबस में आपके है इस चैप्टर अंदर दिख रहा है, आपके सिलेबस में है इलेक्ट्रिक करंट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, सुपर कंडक्टिविटी, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इट्स यूनिट्स, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वॉली फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डीसी सर्किट इन वेरियस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सच एज सीआरओ टीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आपका जो सिलेबस बुक में आपका जितना भी चीज़ दिया हो इससे कोई मैटर नहीं है। ओके, तो क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और हमें अपने पूरे बाकी बचे हुए चैप्टर्स को कम्प्लीट करना है, तो इसलिए जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है उसको जस्ट हम रिवाइज कराने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर से टॉपिक चीज़ें आपको पता है। चलिए शुरू करते हैं। कंडक्टर क्या होता है? हेलो, सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? यस मैम। जी मैम। ओके, म्यूट कर लीजिए। यू ऑल नो दैट व्हाट इज कंडक्टर। अब मत बोलो, बस हो गया। कंडक्टर कौन सा मटेरियल होता है? वो मटेरियल जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और जो अपने अंदर करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं। इनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। दीज टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड दी कंडक्टर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में आपका हो गया कॉपर एंड एल्यूमिनियम आयरन एक्सेट्रा। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरह के मटेरियल्स में आपके जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10^28 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं। इससे क्लियर है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा हैं तो करंट यहाँ पे करंट को जो इजली अपने अंदर अपने थ्रू पास होने देगा। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स को मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम मात्रा में होते हैं या ना के मात्रा में होते हैं, जिस कारण से इनके थ्रू कोई भी करंट होकर पास नहीं होती है। इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इसी तरह छोटे छोटे बनते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है कंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की एंड सो ऑन इस टाइप की। तो ये जो छोटी छोटी लाइन्स हैं इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर इसके बाद आपका है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच के मटेरियल्स होते हैं। इनमें इनकी रेजिस्टिविटी या कहले कंडक्टिविटी इन बिटवीन दी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होता है। ठीक है, एग्जांपल इनका क्या होता है? जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो फोर्थ ग्रुप के जो हमारी पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी, उसमें जो फोर्थ ग्रुप होता है उसके जो मटेरियल्स है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में आते हैं। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जब हम सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं अपने करंट पर, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो करंट में आप जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक, आपके बुक में लिखा हुआ है। और करंट का इक्वेशन जो होता है आई स्क्वायर टू क्यू अपॉन टी के होता है। ठीक, वेट टू द चार्ज। यूनिट क्या होगा? यूनिट एम्पियर होती है, कूलम पर सेकंड इसका है मेथड। इफ देयर फोर, और अगर इफ देयर आर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑफ द मटेरियल, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल इज एन ई। इन दिस केस द करंट फ्लोइंग थ्रू द मटेरियल इज गिवन बाई आई स्क्वायर टू क्यू बाई टी। अगर क्यू की वैल्यू एनी रख देंगे तो आई स्क्वायर टू एनी अपॉन टी हो गया। ठीक, तो ये सब आप जानते हैं इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसके बाद आपका पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो पोटेंशियल की बात पहले ही कर चुके हैं इसके पहले चैप्टर में। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज वी इज टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। लेकिन जब आप अलग अलग पॉइंट्स की बात करते हैं तो एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी का पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है। तो दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा डेट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई एलिमेंट अगर लगा हुआ है तो उसकी अगर भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उस एलिमेंट से बहने वाली जो धारा होती है वो उसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी
या वी प्रोपोर्शनल, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर सच एज लेंथ, थिकनेस, टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स एंड करंट फ्लोइंग थ्रू थ्रू इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, जैसे अगर आपका वी प्रोपोर्शनल आई है तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। इस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और जब वी और आई के बीच का ग्राफ खींचा जाता है तो आपका जो ग्राफ आता है, हमने आपको बताया था, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि ओरिजिन से होकर जाएगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लस के साथ कोई टर्म नहीं लगा हुआ है, जीरो है, तो ये इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा। वी आपका एक्स एक्सिस पे है, आई आपका वाई एक्सिस पे, तो इसका जो स्लोप आएगा आई अपॉन वी, तो मतलब दिस इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन आर के। ठीक, तो आर इज इक्वल टू वन अपॉन आई होगा। जब आप वोल्टेज चेंज करके उसके रेस्पेक्ट में करंट निकालते हैं तो वी एक्स एक्सिस पर रहेगा, आई वाई एक्सिस पर रहेगा, और जब आप करंट चेंज करके वोल्टेज निकालते हैं तो करंट आपका एक्स एक्सिस पर रहेगा, वोल्टेज वी एक्सिस पर रहेगा। इस केस में जो भी स्लोप आएगा वो रेजिस्टेंस होगा, लेकिन अगर आपका नीचे वी है और ऊपर आई है तो इस समय जो भी स्लोप आएगा ये वन अपॉन आर के बराबर होगा। क्लियर, उसके बाद चलते हैं, हमारा पता है आर की डायमेंशन निकालिए, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, डायमेंशन ऑफ करंट निकालेगा तो एम एल टू माइनस टू ए माइनस टू होगा। ठीक, इस सबने से आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे कि आर की डायमेंशन क्या होती है, तो आपको निकालने आना चाहिए कैसे निकलेगा। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूला आपके टिप्स पे एकदम रहना चाहिए जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तुरंत हैंडल कर सकें। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन लोग पहले से नहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं रिक्वेस्ट, जब क्लास चलने लगती है तब सब लोग ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजते हैं, बहुत बैड मैनर है, हम किसी को नहीं ज्वाइन कराएंगे इस समय, क्लास इंटरप्ट होती है बीच में। रीजन ऑफ रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल में डेवलप क्यों होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, नॉट द थर्मल रेजिस्टेंस। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो इसका कारण ये होता है कि कोई भी मटेरियल होता है उसमें देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं अपने एक पोजिशन से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी भी, मान लिया कि कोई वायर है या कोई भी मटेरियल है, उसके एक एंड से दूसरे एंड पर फ्लो करता है, तो फ्लो करने में उसके रास्ते में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जैसे भीड़ में चलना बहुत मुश्किल होता है, एक दूसरे के टकराने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी मटेरियल में तो उस समय क्या होता है कि अगर एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो करना चाहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनमें, उनके पाथ में कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, जैसे कोई एटम आ गया। ठीक है, तो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव आयन होते हैं अगर वो उनसे टकरा गया, टकराने से क्या होगा, उसके रास्ते में एक ऑब्स्टिकल या अवरोध उत्पन्न होगा, जिस वजह से क्या होगा, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो ये जो सच टाइप ऑफ हर्डल्स, इस तरह के जो अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं किसी भी के चलने के रास्ते में, दिस प्रोड्यूसेस द रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रतिरोध, यहाँ पे हम हिंदी में अवरोध नहीं कहते, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में इसको रेजिस्टेंस नाम दिया गया, प्रतिरोध नाम दिया गया। तो इन्हीं के कारण की वजह से किसी भी मटेरियल में रेजिस्टेंस डेवलप होता है, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, यही लिखा होगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जब हम करंट के फ्लो में किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी मटेरियल के थ्रू करंट के फ्लो होने पर जो भी ऑब्स्टिकल या बाधा उत्पन्न होती है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। When two ends of the conductor are connected to the two terminals of a battery, a potential difference establishes. One end becomes positive and the other end becomes negative. Free electrons of the conductor are attracted towards the positive end and thus they start drifting towards the positive end to the conductor. Free electrons suffer deflected collision with the fixed atom. The obstruction caused by the atom in the path of the flow is known as electrical end. हमने जो बताया, आप अपनी हिंदी की बुक में देखिए, में उसके रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल उत्पन्न होता है, जो भी बाधा आती है, इसी बाधा को ही हम इलेक्ट्रिसिटी के केस में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अब इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, रटना नहीं है, रेजिस्टेंस किन किन बातों पर आता है,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको मेन इक्वेशन याद रखना है आर इज इक्वल टू रो इनटू एल बाई एल। इसका मतलब अगर कोई भी वायर है, कोई भी मटेरियल है, तो उसके लेंथ कंडक्टर के लेंथ पर स्ट्रेन डिपेंड करता है, कंडक्टर के जो एरिया होता है उसके इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है। ठीक, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी आ जाता है रो, तो आर इसको टू रो एल बाई ए आता था। रो इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है एल पर और ए पर, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल जो होता है किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स होता है, ये लेंथ एरिया आदि पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पर करता है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, ये देखिए, रो इज द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए रो का मान डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन आप ये कह लें कि कोई मटेरियल है उसकी अलग अलग लंबाई का सेम मटेरियल लिया जाएगा तो उसकी रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी, लेकिन रेजिस्टेंस उसका चेंज होगा, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, ओके, हम आपसे आंसर चाह रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड द एरिया ऑफ द मटेरियल, बट रो इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो अगर सेम मटेरियल है वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का है तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, बट उसका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। ये बात क्लियर है, इसको याद रखिएगा दिमाग में। हेलो, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर विच सेल ऑब्टेन ऑन रिलेशन डिपेंड ऑन। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब आप कहेंगे कि मैडम ने तो कहा कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये, तो टेम्परेचर पर कैसे, मटेरियल की प्रॉपर्टी है और किसी मटेरियल का कि जो नेचर होता है वो टेम्परेचर पर, क्योंकि जो कंडक्टर मटेरियल है जिसके थ्रू जिसके करंट को फ्लो होना है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस, कंडक्टर का मटेरियल जो है वो टेम्परेचर पर हाईली डिपेंडेंट होता है। क्योंकि आप किसी भी मटेरियल को देखिए, जब आप हाई टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो वो मेल्ट करने लगता है, उसका फॉर्मेशन ही चेंज करने लगता है। तो चूँकि कंडक्टर की पूरी प्रॉपर्टी ही टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, तो उसी प्रॉपर्टीज में तो एक रो भी आता है ना, इसीलिए रो भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी और मटेरियल खुद टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इस वजह से रो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। फिर इसके बाद आ गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, जब भी कोई कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर को आप अगर किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस समय होता क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से इसमें करंट फ्लो होने लगेगा इधर से इधर की तरफ। तो इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींचना चाहते हैं और पॉजिटिव आयंस इसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ खींचना चाहते हैं। तो आप देखिए इसमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर आना चाह रहे हैं और प्रोटॉन्स इधर आना चाह रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स पहले बैटरी से कनेक्ट करते ही, कनेक्ट अगर नहीं भी रहता है तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप मूव करते रहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड वो उनकी नेचुरल वेलोसिटी होती है। लेकिन जब फील्ड के इफेक्ट में मूव करने लग जाते हैं तो क्या होता है, ये जो वोल्टेज अप्लाई हुआ है तो यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने की वजह से क्या होगा, करंट इधर से फ्लो कर रही है तो इधर वाला सिरा पॉजिटिव होगा, इधर वाला सिरा निगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिएक्शन इधर से इधर की तरफ होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट मूव, इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट एंड प्रोटॉन्स इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स जो चल रहे थे इनके ऊपर या आयंस के ऊपर, आप ये कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स डेवलप होगा ई इंटू ई। तो इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये जो फोर्स अप्लाई होगा ये इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को क्या करता है, ड्रिफ्ट करता है, ड्रिफ्ट करने मतलब और प्रमोट करता है। तो उससे जब इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगता है तो डेट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हिंदी में भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही कहा जाता है। ठीक है,
देखिए लिखा इलेक्ट्रॉन टेंड टू मूव फ्रॉम राइट एंड टू द लेफ्ट एंड इन दिस केस वंस एन इलेक्ट्रॉन सफर्स कोलिजन इट लॉसेस वेलोसिटी। ठीक है, जैसे ही किसी आयन से टकराएगा इसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये मूव करता है। तो फिर भी क्यों मूव करता है? मूव करता है इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन की अपनी वेलोसिटी कोलिजन के बाद खत्म हो गई, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसके मूव करने का कारण है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। ठीक, ये होगी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि हमारी करंट कितनी फ्लो होगी कंडक्टर में। तो वी नो दैट द करंट इज गिवन बाय टोटल चार्ज इन द करंट कंडक्टर एंड टाइम टेकन बाय द चार्ज ट्रेवल टू लेंथ एल। तो आप ये देखिए इस कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना होगा। इस कंडक्टर में टोटल चार्ज होगा अगर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहली बात ई एक इलेक्ट्रॉन का हो गया, एन ही हो गया सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब ये केवल एक लाइन तो है नहीं, इसकी लंबाई एल है और इसका एरिया अगर ए है, पूरे वॉल्यूम में ये भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? आयंस भरे हुए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्जेस एन ई। ठीक है, देन इन होल वॉल्यूम कितने, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर। तो पर यूनिट वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी एकांक वॉल्यूम में जो यूनिट वॉल्यूम में टोटल चार्ज होगा कितना होगा, एन ई होगा। वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा, तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम होगा ए इंटू एल, तो एन ई ए इंटू एल। तो ये हो गया टोटल चार्ज इन द कंडक्टर। अब आया टाइम टेकन बाय द चार्ज टू ट्रेवल लेंथ एल, कितना टाइम यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है। तो आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस एल हो गई, वेलोसिटी है वी डी, तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन वी डी के। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आ गया पाई इज इक्वल टू एल ए डी इंटू ई। ठीक है, तो आपके पास आ गया करंट का मान कितना होगा। अब करंट का मान निकलाया, अगर आप चार्ज निकालना चाहें आई के टर्म्स में, तो आप जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई टी होगा। ठीक, तो इसी आई के आगे अगर आप टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए वी डी ई इंटू टी, इतनी वैल्यू चार्ज की होगी। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है ये फाइंड आउट करना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपके पास न्यूटन का जो न्यूटन के गति विसर्ग का जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, वो होता है वी इक्वल टू यू प्लस एफ। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन जिस समय जस्ट कोलाइड किया था उसकी वेलोसिटी खत्म हो गई थी, तो उस समय उसका वेलोसिटी यू इक्वल टू जीरो था। फिर फोर्स के इफेक्ट में आकर क्या हुआ, जैसे ही फोर्स के इफेक्ट में आता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। मान लें फाइनल वेलोसिटी वी डी हो गई, तो वी डी ये हो जाएगा, यू जीरो हो जाएगा। फोर्स का मान अगर एफ है, इलेक्ट्रॉन का मास अगर एम है, तो आप जानते हैं एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए के, तो यहाँ से ए इक्वल टू निकल आएगा एफ अपॉन एम। तो यहाँ पे हो गया एफ अपॉन एम, और टाइम की जगह पे हो गया टाउ, यहाँ पे हमने टाइम को टाउ लिखा है। टाउ एक सिंपल टाइम नहीं है, टाउ इज ऑल रिलैक्सेशन टाइम, हिंदी में कहते हैं इसे श्रांति काल, ये होता है श्रांति काल। तो इस तरीके से वी डी इज इक्वल टू आ गया एफ अपॉन एम इंटू टाउ। एफ की वैल्यू है ई इंटू ई, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, तो यहाँ पे हमारा चार्ज है ई, यहाँ से निकल आएगा एफ इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू ई। एफ की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ रख दी, निकल आया ई अपॉन एम, तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन भी आ गया। रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी बाई आई होता है। वी इज इक्वल टू कितना होगा, हमको पता है कि ई इज इक्वल टू होता है वी बाई डी, यहाँ पे वी अपॉन, वी इज नॉट वेलोसिटी, वी इज हियर पोटेंशियल, वी अपॉन एल। ठीक, डी इज इक्वल टू एल है यहाँ पे, तो यहाँ से वी इज इक्वल टू आ गया ई इंटू एल।
तो वी की वैल्यू ई एल रखी है, आई की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं इसको रख देंगे, और वी डी का मान यहाँ पे निकल गया है इसको रख देंगे यहाँ पर, सब कुछ सॉल्व करेंगे तो आर का मान आ गया। तो इस इक्वेशन को आप याद कर लीजिएगा, आर स्क्वायर टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाऊ ए। इस इक्वेशन से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो अगर आपको ये इक्वेशन याद रहेगा तो आर के किस प्रकार डिपेंडेंस हो रही है ये आप निकाल सकते हैं। अब आता है रो, आपको पता है आर इज्क्वल टू रोन ट्वेल्व बाई ए, तो रो इज्क्वल टू आर ए अपॉन एल होगा, आर का मान पता है तो एल अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, रो इज्क्वल टू इतना आ जाएगा। तो इससे ये क्लियर हो गया कि रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे रेजिस्टिविटी जो होगी उतनी ही कम होगी कंडक्टर्स की, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एम, ये रो और एम इज मटेरियल प्रॉपर्टी। अरे अभी उतना हो रहा होगा, क्या बोलते हैं आधा घंटा हो रही, पढ़ते हो कि इधर दिमाग लगा रहता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं फटाफट, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें सिंपली क्या दिया हुआ है कि हमारा रो जो होता है उसी फॉर्मूले से ये भी निकला है कि रो हमारा टाउ पे डिपेंड कर, इसके बाद हमारा रेजिस्टिविटी और अल्फा, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, देखिए। और यहाँ से फिर रेजिस्टेंस का मान निकल आया, तो यहाँ से ये समझ ये बताता है, ये क्वेश्चन बताता है कि किस प्रकार किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अल्फा पर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा, आर टू इज टू आर वन वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। कहीं पे कोई दिक्कत होगी आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा तुरंत, इन सब का फॉर्मूला आप याद रखिए और इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए आप कोई भी रेजिस्टेंस दिया है उसको कलर कोडिंग से कैसे उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। पहले कोई भी रेजिस्टेंस जो होता है आपने देख कि कार्बन कोड रेजिस्टेंस होते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, उनमें तीन लाइंस बनी होती हैं अलग अलग कलर की, ठीक है। तो उन लाइंस का ये सिग्निफिकेंस है, इसको आप बी बी रॉय इस स्लाइड में देखिए पहले, ठीक है। ये रेजिस्टेंस होता है, इसमें ए बी सी डी चार लाइंस बनी होती हैं, इन चार लाइंस में से ये सभी ए बी सी डी सब अलग अलग कलर के होते हैं। डी वाला जो होता है ये टॉलरेंस बताता है। हाँ बताइए मैम, इसमें जैसे मतलब कलर कोड में ये पूछ देता है कि सब मैक्सिमम कौन सा कलर है, मिनिमम कौन सा कलर है, तो पता कैसे करेंगे? ये कहाँ पूछता है मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पूछता है? अरे मैम अगर मल्टीपल चॉइस पूछता है मैम कि मिनिमम कौन सा कलर हो गया, मैक्सिमम कौन सा, नहीं अभी हम बता रहे हैं ऐसे थोड़ी पूछेगा, मिनिमम मैक्सिमम नहीं पूछेगा। पहले ये क्या है ये आप जान लीजिए पहले, तो ये जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए जरूरी है बताना ना। तो ए बी सी डी तीन कलर होते हैं, ये तीनों अलग अलग कलर हैं, ठीक है। इन कलर्स का जो फॉर्मूला होता है पढ़ने का वो क्या होता है, पहले इसको आप रटने पे आप भूल जाएंगे, तो ये चीज़ याद कर लीजिए आप, बी वी रॉयल ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वीरिंग गोल्ड, ठीक है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो इसके छोटे छोटे लेटर्स जो आपको बताएंगे बी फॉर क्या होगा, दूसरे बी फॉर क्या होगा, आर फॉर क्या होगा, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस कैसे पढ़ते हैं इस कलर को देख कर, किसी भी कोई रेजिस्टेंस देख कर हम कैसे बता पाएंगे उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, पहला बैंड क्या बताएगा, ए बताता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा बताता है इंडिकेट सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड बैंड बताता है इंडिकेट्स मल्टीप्लायर, और फोर्थ बैंड बताता है इंडिकेट्स एक्यूरेसी, टॉलरेंस कहते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके इसमें तीन कलर दिए हुए हैं, रेड वायलेट एंड ऑरेंज, पहला वाला बैंड जो है रेड है, दूसरा वायलेट है, तीसरा ऑरेंज है, और डी जो है सिल्वर कलर का, तो सिल्वर की टॉलरेंस 10% होती है, ठीक है। और
गोल्ड की कहीं कहीं पे 20% होती है। तो इसमें क्या होगा, जब आप इसको कैसे लिखेंगे, आपका ये जो फॉर्मूला बन के आ रहा है वो आ रहा है, पहला वाला पहला फिगर बताएगा तो आप 2 को 2 लिख लीजिए, दूसरा वाला दूसरा फिगर बताएगा तो आप 27 लिख लीजिए, तीसरा वाला बताता है इंडिकेट्स मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का मतलब है 10 के घात में कितनी पावर चढ़ेंगी। तो फोर्थ बैंड ऑरेंज है, तो ऑरेंज का कलर है 3, ठीक है, तो ऑरेंज का नंबर होता है 3, अभी चार्ट में दिखाएंगे आपको, तो ये 10 की घात 3 ऊपर चढ़ जाएगा। और लास्ट वाला है सिल्वर, सिल्वर की टॉलरेंस होती है ±10%, तो इसके बाद में लिखते हैं ±10%, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी रेजिस्टेंस को देख के, उसके कलर को देख के उसका रेजिस्टेंस बताया जा सकता है, ठीक। अब आप कहेंगे रेड को 2 कैसे मालूम, वायलेट को 7 कैसे मालूम, तो इसके लिए ये पहला वाला ये चार्ट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस चार्ट में आप देख लीजिए रेड कहाँ दिया हुआ, ये है रेड, रेड की वैल्यू देखिए 2 है, ठीक है, ऑरेंज की वैल्यू देखिए 3 है, ब्राउन की वैल्यू 1 है, ब्लैक की वैल्यू 0 है। तो ये आपको याद करना होगा, याद करने का जो फॉर्मूला आपको बताया गया कि बीबी रॉयल ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेडिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो गोल्ड सिल्वर नेकलेस का मतलब टॉलरेंस, और रजिस्टर्स की जो वैल्यू जाएगी केवल यहाँ तक आएगा, ये केवल इतना बीबी रॉय से लेकर वाइफ तक, ठीक है, यहाँ तक की वैल्यूज आपको पूरा 1, 2, 3 जितनी वैल्यूज आपको यहाँ तक चीज़ों से मिल जाएगी, क्लियर है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, सबसे पहला वाला लेटर 0 बताएगा, उसके आप 1, 2, 3, 4 आगे ऐड करते चले जाइए, फिर से देख लीजिए अपना। देखिए 0 से स्टार्ट होके आपका ये कलर कोडिंग जो है 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक जा रहा है, ठीक। तो W जहाँ पे आपका फॉर्मूले में वाइट लिखा था वो मतलब W फॉर वाइट है, ओके। तो कलर कोड समझ में आया आपको, बताइए जल्दी अनमोट करके, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए पूछ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा दीजिए। अच्छा 2 पेज में है ना, इसलिए बताना पड़ेगा। देखिए ये कलर कोडिंग है पूरी पूरी, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि 0 से लेकर 9 तक किस किस कलर को वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है, लर्न करने में आप भूल जाते हैं, इसलिए क्या किया गया है, देखिए अगर इसकी वैल्यू अगर ये पहले या दूसरे नंबर पर आएगा तो ये वैल्यूज चलेंगी, ठीक है, और तीसरे नंबर पर ये आएगा तो पावर्स ऐसे चलेंगी, 0 रहेगा 10 की घात 0 हो जाएगा, 1 रहेगा 10 की पावर 1 हो जाएगा, 2 रहेगा 10 की पावर 2 हो जाएगा। गोल्ड के लिए 5% टॉलरेंस है, सिल्वर के लिए 10 और 20% टॉलरेंस होता है, अगर कहीं दिया नहीं है इन्वर्टर में तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चार्ट हो गया, अब इसको याद करने के लिए आपको रटने का जो का बताया गया है वो आपको याद करना है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, R for red, O for orange, Y for yellow, green, फिर उसके बाद ब्रिटेन से आपका फिर यहाँ ब्लू है, फिर B for violet, G for grey, W for white, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 0, 1 मैम ब्रिटेन से क्या है, ब्रिटेन से क्या है कुछ मत रखिए आप अपना ये देखिए, ब्रिटेन कहाँ पे था, इस जगह पे था ना, ब्रिटेन से आपका ब्लू है, बी बी रॉय, ठीक ओके। ऐसे देखिए ना, पहला वाला बी हो गया, इसी से बनाया, फिर बी हो गया, फिर आर हो गया, फिर ओ हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो कॉमन लेटर्स हैं जैसे बी 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 3 के लिए है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, पहला बी ब्लैक के लिए, दूसरा बी ब्राउन के लिए, तीसरा बी ब्लू के लिए है, बाकी सब अलग अलग है, और पहला जी ग्रीन के लिए, दूसरा जी ग्रे के लिए, ठीक है। इतनी चीज़ आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी, ठीक। तो इस तरीके से कलर कोड को देख के हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हैं, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इस तरह रेजिस्टेंस दिया है, बता दिया कि इसका ये कलर है, इसका ये कलर है, इसका ये कलर है, इसका ये कलर है, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, उसमें से कोई एक टिक करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। एग्जाम्पल ही तो बताया बेटा, जैसे मान लो, अच्छा दूसरा लो, हमारा पहला वाला सपोज ग्रीन है, दूसरा वाला ब्लैक है,
और तीसरा वाला लेट अस सपोज ब्लू है और चौथा वाला सिल्वर है, ठीक। तो ग्रीन क्या होगा आप यहाँ से देख लीजिए, आपको बीबी रॉय ग्रीन ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रीन ये वाला होगा। कौन से नंबर पे आ रहा है, जीरो से शुरू करिए, जीरो एक दो तीन चार पाँच, पाँच नंबर पे आ रहा है तो इसका नंबर हो गया पाँच। फिर इसको हमने क्या कहा था, ब्लैक कहा था ना, हाँ, तो इसको ब्लैक कहा है तो ब्लैक हो गया पहले नंबर पे, इसका वैल्यू हो गया जीरो। इसको ब्लू कहा था, ये ब्लू है तो ब्लू वाला कहाँ पे आएगा, इस नंबर पे आ रहा है ग्रीन के बाद, तो ग्रीन फाइव है तो ये ब्लू वाला जो है ये सिक्स आएगा। और सिल्वर का है प्लस माइनस टेन, तो इन तीनों को यूज़ करके आप बना लीजिए। सिर्फ पहला वाला पहला डिजिट बनेगा, दूसरा दूसरा डिजिट बनेगा, तीसरा दस की घात पर चढ़ जाएगा, ये दस की घात छः हो गया, प्लस माइनस 10%, ठीक है, ओके। जल्दी बोलिए। जी मैम ओके चलिए ठीक। तो इस तरह का आप निकाल सकते हैं। और रही मिनिमम मैक्सिमम बताने की, तो हो सकता है दो तीन कैपेसिटर दे दे, उनमें से कहा है कि इसका ये है, तीनों कैपेसिटर निकाल दे, किसका तीनों रेजिस्टेंस निकाल के किसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, R1 का है, R2 का है, R3 का है, या तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो आप तीनों का कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस निकाल देंगे, उसके बाद कौन छोटा बड़ा है आप उसको मिलान करके अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर टिक लगा सकते हैं। अब इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए सब लोग ज्वाइन करवाने, लेकिन आज अभी हम ज्वाइन नहीं कराने वाले किसी को, क्लास के पहले ज्वाइन होना चाहिए ना, हम रात भर खोल के देखते रहते कौन कौन आ गया, उसको हम एक्सेप्ट कर लें, क्लास के समय सबको एक्सेप्ट कराना है। ठीक है, ये आ गया। अब ये आप जानते हैं, इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा, और अगर पैरेलल में लगा है तो यूनिट आपको पता है पैरेलल होने पर आपका फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है ना, ये सभी लोग जानते हैं। रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे किसी सर्किट में तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R1+R2+R3 होगा, पैरेलल में लगाएंगे तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 एंड सो ऑन होगा। सुपर कंडक्टिविटी इस चैप्टर में है, नहीं दे दिया है पहले, सुपर कंडक्टिविटी मैग्नेटिज्म में आएगा, जब मैग्नेटिज्म में आएगा तो हम वहाँ पढ़ाएंगे, वो सिलेबस में कहीं इसका नाम नहीं था इस चैप्टर में, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, जिसमें ज़्यादा केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, केवल आपने सर्किट देखा और लगा लिया, तो इसको आप सॉल्व करते रहिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ही है, अच्छे छोटे कि कौन सा पैरामीटर किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है, बढ़ेगा घटेगा, ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर बढ़ाने पे किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी घटेगी सेम रहेगी क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ये चीज़ें आप अच्छे से इसको तैयारी कर लीजिएगा। इसको व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करते हैं, तो व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए ये दिख रही है आपको स्लाइड, ये फिगर दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। इस सर्किट में क्या होता है, चार रेजिस्टेंस लेते हैं अलग अलग, चारों को पहले एक किसी भी, देखिए हम आपको लेफ्ट में बनाकर दिखाते हैं, चार रेजिस्टेंस लेके किसी जो हमारा स्क्वायर होता है उसके किसी भी साइड से चारों को अटैच कर देते हैं, यहाँ अटैच कर दिया, यहाँ अटैच कर दिया, यहाँ अटैच कर दिया, यहाँ अटैच कर दिया, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस होते हैं, मान लिया कि ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है, ये चार रेजिस्टेंस हैं। अब इन चार रेजिस्टेंस को किसी भी स्क्वायर को या ये करिए कोई भी चतुर्भुज आपका है उसके अलग अलग आर्म्स पे चार रेजिस्टेंस लगा दिए, फिर दोनों उस चतुर्भुज के उस स्क्वायर के डायगोनल में, ठीक है, उसके डायगोनल्स को क्या करेंगे, किस तरह कनेक्ट करेंगे, जैसे एक ये डायगोनल हो गया तो इस डायगोनल पर हम बैटरी लगा देंगे और ये वाले डायगोनल पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर किस काम आता है, गैल्वेनोमीटर ये पता करने का काम आता है कि उस आर्म में उस भुजा में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर गैल्वेनोमीटर के नेड़े में डिफ्लेक्शन होता है इसका मतलब उस आर्म से करंट फ्लो हो रही है, अदरवाइज
कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब उस आर्म से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो ये पूरा जो सर्किट होता है, इस सर्किट में अगर ये रिलेशन फॉलो कर गया पी वाई क्यू इजक्वल टू आर वाई एस, हमेशा नहीं होगा, लेकिन जब ये रिलेशन फॉलो कर जाता है तो इसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। लेकिन अभी भी डिफिनेशन अधूरी है। कंप्लीट डिफिनेशन कैसे, कंप्लीट डिफिनेशन के लिए आप कहेंगे जब भी कोई चार रेजिस्टेंसेस को किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल के अलग अलग साइड्स पर इस प्रकार कनेक्ट किया जाता है कि उनके एक डायगनल पर बैटरी लगाया जाए और दूसरे डायगनल पर गैल्वेनोमीटर लगाया जाए, ठीक। और किसी भी समय यदि गैल्वेनोमीटर में बहने वाली करंट का मान शून्य हो, दूसरे शब्दों में यदि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, और तीसरे शब्दों में कि गैल्वेनोमीटर वाली आर्म के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, ठीक है। अगर यहाँ सॉरी इरेज हो गया, ये था आपका सर्किट। मतलब इसमें देख लीजिए, अगर बी और डी के पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, मतलब वी बी माइनस वी डी इक्वल टू जीरो है, तो उस आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तब इस कंडीशन में ही ये कंडीशन फुलफिल करेगी, अदरवाइज हर समय ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी चार रेजिस्टेंसेस को किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल के डिफरेंट आर्म्स पे कनेक्ट करते हैं और द कनेक्शन इस प्रकार हो कि एक डायगनल पे बैटरी लगाया जाए और दूसरे डायगनल पर गैल्वेनोमीटर लगाया जाए, और गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो ना कर रही हो, या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो, या गैल्वेनोमीटर वाली आर्म के सिरों के बीच द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर्म इज इक्वल टू जीरो, या ये कह लें कि गैल्वेनोमीटर के आर्म के एंड्स पर जो पोटेंशियल है वो बराबर है। वी बी माइनस वी डी बराबर जीरो कब होगा, व्हेन वी बी इज इक्वल टू वी डी। यानी इसी बात को चार तरह से कह सकते हैं। पहला क्या कह सकते हैं, गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट ना फ्लो कर रही हो। दूसरा कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो रहा हो, करंट नहीं फ्लो करेगा, डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, सारी बातें एक ही हैं। या वी बी माइनस वी डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के आर्म के एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, या ये कह लें गैल्वेनोमीटर के आर्म्स के एंड पर पोटेंशियल इक्वल है, पोटेंशियल इक्वल है बट पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, इस बात को ध्यान रखिएगा। देन P by Q is equal to R by S. This is the balance condition for the Wheatstone bridge. ठीक है, this is the principle of Wheatstone bridge. Clear है? जब कभी किसी से पूछा जाता है भैया Wheatstone bridge का principle बताओ, तो सीधे सीधे सारे बच्चे कह देते हैं P upon Q is equal to R upon S. ये तो आधी बात है, ये पूरी बात नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं कहेगा। समझ रहे हैं आप? मैम थोड़ा फिर से बता दीजिएगा ये BA-B वाला। देखिए हमने ये बताया कि इस आर्म में जैसे इसको कनेक्ट कर दिया तो इस बैटरी से कनेक्ट होते ही सभी आर्म में करंट जाने लगेगी, यहाँ भी जाएगी। और जो ये वाला आर्म है, जो ये आर्म है, इसमें भी करंट जाएगी। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होगी, वो पर्टिकुलर कंडीशन, जिस समय इसमें कोई भी करंट ना जा रही हो, तो या IG इज इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, IG मतलब करंट अक्रॉस जी, आई जी जीरो हो, एक बात ये कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जी में कोई डिफ्लेक्शन ही ना हो रहा हो, ये भी कह सकते हैं, और इसके एंड को बी नाम दिया गया ना, या ये कह दें कि वी बी बराबर वी डी के हो, मतलब पोटेंशियल एट द पॉइंट्स बी एंड डी का मतलब पोटेंशियल एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायगनल एट विच द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड आर इक्वल, ठीक है। जब इनके वी बी बराबर वी डी के होगा तब भी कंडीशन सही है। इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं, देखिए वी बी बराबर वी डी है तो वी बी माइनस वी डी बराबर क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर वाला डायगनल है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब Only in this condition P by Q is equal to R. चले आगे। हेलो
हेलो यस मैम ओके अब इसके बाद ये आप कर लेंगे कि नहीं यस मैम आगे इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है यही निकाला गया है इसकी बहुत लेकिन अब बता देते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको आसानी रहेगी अगर इसको बता देंगे तो चलिए क्या निकाला गया है यहाँ से करंट आई जा रही है आप जानते हैं जब दो आंस में पहुँचेगी तो स्विच ऑफ वोल्टेज करंट लॉस से दो भागों में बढ़ जाएगी इधर चली गई आई वन आई टू ठीक व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो वो है वी बी मस्ट बी इक्वल टू वी डी के होगा ठीक है तो इसके क्रॉस करंट नहीं जाएगी यानी आई जी जी होगा यहाँ पर कोई करंट नहीं गई आई वन इधर से गया इधर चली जा गया तो आई टू इधर चली जाएगी फिर दोनों कंबाइन होकर नीचे आएगा और वापस यहाँ से करंट सर्किट हमारी क्लोज हो जाएगी ठीक है अब केवीएल अप्लाई करेंगे तीनों लूप में अक्रॉस रेजिस्टेंस पी पी के क्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस होगा ए और बी के बीच में लिखा हुआ लगा हुआ है तो आप वी ए माइनस वी बी निकाल दीजिए वो आई वन पी के बराबर होगा इसी तरीके से क्यू का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी सी होगा अब अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसे चलते हुए पी के केस में इसको पहला एंड मान रहे हैं तो क्यू के केस में इसको पहला एंड मानेंगे आगे पीछे नहीं करेंगे नहीं तो प्लस माइनस का गड़बड़ हो जाएगा तो पहले वाले में हमने लिखा है वी ए माइनस वी बी तो दूसरे में लिखेंगे वी बी माइनस वी सी और फिर इधर से करंट हमारी इधर फ्लो कर रही है तो जिधर से करंट को फ्लो करने का डायरेक्शन देखेंगे जिधर से जा रही है जहाँ से शुरुआत हुई है उसको पहले लिखेंगे जहाँ पर ख़त्म हो रही है उसको बाद में लिखेंगे तो आर के क्रॉस लिखेंगे तो वी ए माइनस वी डी लिखेंगे आई टू आर और एस के क्रॉस वी डी माइनस वी सी आई टू एस हो जाएगा ठीक अब सारे इक्वेशंस को क्या करेंगे हम अब हमारा बैलेंस कंडीशन क्या बता रहा है कि वी बी बराबर वी डी होता है इसको अप्लाई कर देंगे इसमें जब जब यहाँ पे वी बी है यहाँ पे वी बी है इन दोनों में भी वी बी लिखेंगे तो इक्वेशंस कट जाएंगी ठीक है कटने के बाद आएगा आई वन पी बराबर आई टू आर के मतलब इन दोनों इक्वेशंस को हम बराबर कर लेंगे कैसे बताया समझ में आ रहा है कि नहीं देखिए क्या करेंगे ये हो जाएगा वी बी ये और ये भी हो जाएगा वी बी ये दोनों वी बी हो गया वी बी होने के बाद इन दोनों इक्वेशन को घटा देंगे आपस में जब घटाएंगे तो वी बी कैंसिल हो जाएगा ठीक है और आपका क्या हो जाएगा कम पहला दूसरा वाला मैम एक मिनट आई वन पी बराबर आई हाँ ठीक है पहला तीसरा घटाएंगे ये भी बी ए माइनस बी बी बनेगा ये भी ए माइनस बी बी बनेगा दोनों लेफ्ट साइड बराबर है इसलिए राइट साइड बराबर हो जाएंगे आई वन पी इक्वल टू आई टू आर टू हो गया ठीक फिर दूसरा और चौथे को बराबर करेंगे दूसरे चौथे को बराबर करेंगे तो फिर लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगी तो राइट साइड भी बराबर होगा तो ये आ जाएगा फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे दोनों डिवाइड करने पर ये आ जाएगा ठीक है दोनों डिवाइड करने पर इतना आ जाएगा तो यहाँ से आपका जब आपने इस कंडीशन को अप्लाई करके निकाला तो आपके पास ये कंडीशन आ गई तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आधी बात नहीं बोलनी है पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस तभी होता है जब आपकी ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है ठीक है अदरवाइज ये नहीं होगा अदरवाइज ये इक्वेशंस फॉलो करेगा ठीक है इसके नीचे आपका वही चीज़ है यहाँ पे ये दूसरे मैटर से निकाला है ठीक है अब कहिए तो बताएं कहिए तो आगे बढ़ें इसको हमने उस मैटर से निकाला जो आपको हमने पहले चार्जिंग डिस्चार्जिंग में जो आपको हमने बताया था कि करंट को कैसे कंसीडर करते हैं उस तरह से निकाल सकते हैं इस लूप को भी कंसीडर करेंगे इधर से करंट कंसीडर करेंगे इधर से कंसीडर करेंगे तीनों लूप में केवीएल लगाएंगे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो एट लास्ट जो है आ जाएगा इसका हम आपको कॉपी में लिखकर भेज देंगे ठीक है कॉपी में लिखकर नोट्स बना के इसको हम आपको भेज देंगे इसमें सिंपल केवीएल लगाया गया लेकिन हमने जो मैटर बताया था उस मैटर से बताएंगे आपको उस मैटर में हम उस मैटर की खासियत ये होती है कि जैसे इसको लिखने में आपको ध्यान देना पड़ रहा है कि इसको माइनस के साथ लिखना है एस वाला टर्म माइनस के साथ आएगा
तो कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसको प्लस के साथ लिखना, किसको माइनस के साथ। इस सर्किट में ये सर्किट 2G है, जो करंट डायरेक्शन में आएगा आप उसको प्लस लिख देंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा आप उसको माइनस लिख देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, वहाँ पर ये पता करना मुश्किल हो जाता है किधर से हम प्लस माने और किधर से वोल्टेज डिफरेंस को हम माइनस माने। तो उस केस में हमको कुछ नहीं करना होता, बस सिंपली मान लेते हैं कि इस लूप में क्लॉक वाइज करंट बह रही है, इस लूप में भी क्लॉक वाइज करंट बह रही है, इस लूप में भी क्लॉक वाइज करंट बह रही है, किधर बह रही है हमें कुछ नहीं पता, बस मान लिया कि बह रही है। ठीक है, इसको इस रूल को मानते हुए जिस भी एंड पे हमने कहा था ना, जिधर से करंट जाएगी उसको प्लस कर देंगे, जिधर से करंट निकलेगी उसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो इसी को जब कंसीडर करेंगे तो जी वाले में इधर से I3 जाएगी जब, तो इधर से प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, और वापस जब इधर आएगा तो अपोजिट हो जाएगा, या जो भी अभी नहीं बता पाएंगे, जब सॉल्व करके बताएंगे तो उसमें अच्छा समझ में आएगा। तो इसी रूल को फॉलो करते हैं, तो उसके बाद हम कुछ नहीं सोचते क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, बस जो जो प्लस की तरफ प्लस लिख देंगे, जो माइनस की तरफ जाएगा उसको माइनस लिख देंगे, बस हमें दिमाग नहीं लगाना है कि किसको हमें प्लस लिखाना है किसको माइनस लगाना है। एट लास्ट में अगर आपका डायरेक्शन आपने गलत सपोज किया होगा तो आएगा क्या, आपके करंट की वैल्यू जो है ऑटोमेटिक निगेटिव आ जाएगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपने करंट का जो डायरेक्शन माना था वो अपोजिट था। ठीक है, आपको लग रहा है मैडम हवा में बोल रही है, लेकिन फिर भी मतलब आपको समझा दें, उस मेथड में आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? आ रही है मैम। अच्छा बेटा, आवाज में दिक्कत कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम से हो जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब उस मेथड को अप्लाई करेंगे तो उस मेथड में अगर आपने करंट, जैसे हमने बताया ना तीनों को हमने क्लॉकवाइज मान लिया या तीनों को एंटी क्लॉकवाइज मान लिया, लेकिन सर्किट में एक्चुअली कुछ और कंडीशन हो सकती है कि हमने क्लॉकवाइज माना है लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, तो उसके लिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमने करंट का डायरेक्शन उल्टा माना होगा तो लास्ट में आपकी करंट की जो वैल्यू आएगी, मान लो प्लस 2 एम्पियर आना चाहिए था लेकिन माइनस 2 एम्पियर आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अगर करंट क्लॉकवाइज माना है तो गलत माना है, आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए उस समय, बस सिंपली उसके प्लस माइनस से ये क्लियर हो जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी कभी भी गलत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है आपका, अभी बहुत स्लो ही चल रहे हैं हम। ये देखिए कुछ नोट लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो हमने बताया है आपको वही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड नो करंट फ्लोस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, हेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बेस्ड ऑन द नल मेथड एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी डज नॉट अफेक्ट द मेजरमेंट। ठीक है, इसको नल मेथड भी कहते हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं फ्लो होती है और हमारा बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये पूरे मेजरमेंट में कोई इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि कहीं पर भी देखिए आप ये रेशियो आर्म्स आता है इसमें, इसमें कहीं पर भी स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, वो कहीं पर भी आ नहीं रहा, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं डालेगा पूरे एक्सपेरिमेंट में। सबसे बड़ी बात है वोल्ट मीटर एमीटर नहीं यूज होता है, वी रिप्लेस पोजिशन ऑफ बैटरी विद गैल्वेनोमीटर इवन देन ब्रिज रिमेंस अनचेंज्ड। अच्छा एक चीज़ आपको इसमें बताना भूल गया कि इसमें क्या कहते हैं, पी एंड क्यू आर कॉल्ड द रेशियो आर्म्स एंड आर इज द नोन रेजिस्टेंस और एस क्या होता है अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पे नोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये रेशियो आर्म्स होते हैं, ये हमें पता होता है जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पी और क्यू को एक रेशियो के हिसाब से 10 और 100, 10 10, 100 100 इस तरीके से पी और क्यू को एडजस्ट कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आर की एक नोन वैल्यू होती है, तो एस जो होता है अननोन होता है उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई करके निकाल लेते हैं। इस प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट जो एग्जांपल्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं वो होते हैं मीटर ब्रिज, कैरी फोस्टर ब्रिज, पीओ बॉक्स एंड आपका वो हो गया पोटेंशियोमीटर, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं आपके इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। तो आपका सिलेबस हमने पहले पढ़ दिया है, पीओ बॉक्स भी नहीं है, पोटेंशियोमीटर भी नहीं है, तो बुक में अगर दिया भी होगा तो आपको उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना, अगर एग्जाम में आ जाए तो पेपर बनाने वाली गलती है, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इन सबको आप सॉल्व करिए कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। ठीक है, देखिए ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है,
यहाँ पे पी बाई क्यू इक्वल टू 1/9 है, इसको भी निकालेंगे, पी बाई क्यू इक्वल टू 1/9 है, ठीक है। इससे ये क्लियर है कि बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस है, क्लियर। अब इसी को अप्लाई करेंगे, निकाल निकालना था, सॉरी इसमें हमें निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो बीच में करंट फ्लो ही नहीं करेगी दो ओम में, तो हमें इस दो ओम को कंसीडर ही नहीं करना है। अब दो ओम कंसीडरेबल होगा नहीं, बिकॉज दो ओम के क्रॉस जो करंट है वो जीरो है। तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इन दोनों को सीरीज में कितना आएगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे आपका 4 आ गया, 9 और 27 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, आवाज नहीं आ रही क्या, इन दोनों को ऐड करेंगे 36 आएगा, ठीक। फिर दोनों पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे तो आप निकाल सकते हैं दोनों का पैरेलल वाले इक्वेशन से, तो यहाँ से आपका निकल आएगा 3.6 ओम, ठीक। तो इस तरह छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, इसको आप करिए। मीटर ब्रिज आ गया, तो आपको मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल हम समझा देते हैं, मीटर ब्रिज कैसे काम करता है। इसकी पूरी कहानी जो लिखी है आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको समझा रहे हैं, आप समझिए इसको। इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है, देखिए मीटर ब्रिज क्या होता है, एक लकड़ी का बना हुआ स्टैंड होता है। इस स्टैंड की खासियत ये है, ये समझ लीजिए आपका स्टैंड यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये आपका स्टैंड है, मोटा सा प्लेट जैसा होता है, कम से कम आपका मान लीजिए कि 2 इंच मोटा होगा, ठीक, 2 इंच मोटा होता है, 1 मीटर लंबा होता है। आप देखिए ये पैमाना बना हुआ है, उसके ऊपर मीटर स्केल लगा होता है, ये मीटर स्केल आपकी 1 मीटर की होती है, ठीक। इस मीटर स्केल के साथ में ही आपका ये जो होती है मेटल की सीट्स होती, मेटेलिक सीट्स होती है, ये मेटेलिक सीट्स हैं, इसका मतलब ये कंडक्टर है, ठीक है। उसके बाद आपका ये मीटर स्केल आपकी लकड़ी की बनी होती है जो कि 1 मीटर लंबी होती है, क्लियर। अब क्या करना है, ये पूरा इतना ही, और इसमें हाँ ये देख रहे हैं आप, इसमें 3 स्क्रू लगे हुए हैं, इसमें 1 स्क्रू यहाँ लगा हुआ है, 1 स्क्रू यहाँ लगा हुआ है, और इसमें 1 स्क्रू यहाँ लगा हुआ है, 1 स्क्रू यहाँ लगा हुआ है। तो स्क्रू क्या होता है, स्क्रू वायर को कसने का काम करता है यहाँ पर। अब हम ये मार्किंग को हटा दे रहे हैं, स्क्रू वायर कसने का काम करता है, तो इसमें इसका वर्क क्या है बता रहे ना, पहले पूरा समझ लीजिए। अब इसको यूज किस लिए करते हैं, इसको यूज करते हैं हम कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर आधारित होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज में हमने आपको बताया कि उसके जो दो पी और क्यू होते हैं वो रेशियो आर्म्स होते हैं, आर नोन रेजिस्टेंस होता है और एस अननोन रेजिस्टेंस होता है, तो इसका यूज इसके लिए होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस के लिए होता है। तो अब हम कैसे इस एप्रेटस को यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, इस पर भी आपका न्यूमेरिकल बन सकता है, इसलिए समझा रहे हैं आपको। तो इसमें करते क्या है कि अब आप देखिए, हमने बताया आपको कि ये भी एक मेटेलिक प्लेट है, ये भी एक मेटेलिक प्लेट है, ये भी एक मेटेलिक प्लेट है, तो अभी क्या है, अभी किसी में भी कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है। करते क्या है, इसके इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये देखिए ये आर है, ये नोन रेजिस्टेंस होता है, और एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं। मान लीजिए आपने एक वायर ले लिया और यहाँ पे लगा दिया, और आपको उस वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, ये आपको पता है नहीं, ठीक है। तो आप इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आपको जो S लिखा हुआ है, S इज द अननोन रेजिस्टेंस, इसका मान निकालना है। बेटा म्यूट करो अपने आप को, इसका मान निकालना है हमें, ठीक। तो आप कहेंगे हमारे पास R तो हमने लगा दिया, लेकिन P और Q कहाँ से लाएंगे, तो P और Q लाने के लिए हमारे पास इस स्केल के पैरेलल में ही आप ये देखिए, ये एक वायर लगा होता है, 1 मीटर लंबा होता है ये वायर, ठीक है, ये 1 मीटर वायर होता है, और ये नाइक्रोम कॉन्स्टेंट है, इस तरह के अलॉय से बना होता है, जिससे कि टेम्परेचर आदि की वजह से ये भी पूछा जाता है कि मीटर ब्रिज में जो 1 मीटर लंबा तार होता है वो किस तरह के धातु से बना होता है। तो आप कहेंगे कि वो एक तरह से अलॉय से बना होता है, अलॉय की हिंदी ध्यान नहीं आ रही मुझे, और ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जिनका टेम्परेचर या एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से रेजिस्टिविटी चेंज ना हो, ठीक है, ऐसे मटेरियल को, क्योंकि अगर रेजिस्टिविटी इसकी चेंज हो गई तो हम प्रैक्टिकल करेंगे
तो उसी मटेरियल का आज निकाल रहे हैं कुछ और आएगा, कल निकालेंगे कुछ और आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके चेंज होने की वजह से इस वायर की रेजिस्टिविटी चेंज होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। जब इसी का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो हम अननोन का निकालेंगे तो वो गलत आएगा, ठीक है, इसलिए इसके लिए नाइक्रोम जैसे जनरली नाइक्रोम कॉन्स्टेंटन इस तरह के मटेरियल्स को यूज किया जाता है, इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है, ठीक है जी। तो अब क्या है, हाँ ठीक, अब चलिए अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है इसका। आर यहाँ लग गया, एस यहाँ लग गया, ठीक है, अभी लेकिन हमारा सर्किट क्लोज नहीं हो पाया है। हमें आप अपने वीट स्टोन बीच को अपने ध्यान में रखिए, उसको डार्क बना देते हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा था, 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 ठीक है, यहाँ पे लगा था आपका बैटरी, ये आपका ई है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक, पॉइंट्स को उसी की तरह से लिखेंगे, ये ए बी सी डी, जब तक कंपेयर करके नहीं बताएंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, सारे पॉइंट्स क्लियर है, ए बी सी डी, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, डी ए वाला है, समझ रहे हैं ना। अब इन पॉइंट्स को इसके ऊपर देखिए, इनके ऊपर मैम आवाज नहीं आ रही है बेटा, बोल, अब आ रही है आवाज, आवाज आ रही है जी मैम, आ रही है जी, आ रही है मैम, आ रही है। ओके ओके, अब देखिए इसको, इस फिगर को इससे मिलाइए तभी समझ में आएगा कैसे वीटी स्टोन भी जा रहा है। तो ए पॉइंट आपका यहाँ हो गया, बी पॉइंट आपका यहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ पर है और डी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक। तो ए डी या यहाँ पर क्या लगता था, इस जगह पे आ गए, क्या करें, अगर तो नेट नहीं चलेगा, ऑनलाइन रहता है तो कॉल भी आ जाती है बीच में, ठीक है, याद है ना, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है और यहाँ पर S है, ये वाला पिक्चर क्लियर है, बोलिए जी मैम, हेलो, ओके नाउ कंप्लीट, अब बस शांत हो जाइए। AD यहाँ से यहाँ तक है, एडी के बीच का रेजिस्टेंस देखिए आर है, है ना, आर लगा हुआ है यहाँ पर। डीसी क्या है, डीसी एस है, डी यहाँ पर है, डी और सी देखिए यहाँ से यहाँ तक है, इसके बीच में एस लगा हुआ है, ठीक। अब एबी को देख लीजिए, एबी कहाँ से पाएंगे, तो यहाँ पे बी बना हुआ है, बी कैसे आएगा ये हम आपको बताते हैं। ए और बी कहीं पर भी, बी जो है इस तार पर कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है, बी तार पर कहीं पर भी एग्जिस्ट करेगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस कंडीशन, ठीक। तो बैलेंस कंडीशन कैसे प्राप्त करेंगे, बैलेंस कंडीशन प्राप्त करने के लिए आप देखिए हमारा डायगोनल कौन सा है, एक डायगोनल एसी है, एसी के बीच में हम बैटरी लगाएंगे, तो ए ये है, हम कलर चेंज कर रहे हैं, ए ये है, सी ये है, ठीक। एसी के बीच में क्या लगेगा, बैटरी, तो देखिए यहाँ से यहाँ देखिए बैटरी कनेक्ट है, एसी के बीच में है कनेक्ट, और बीडी के बीच में लगेगा क्या, गैल्वेनोमीटर लगेगा। तो बी तो आपको पता नहीं है कहाँ पर है, लेकिन डी आपको पता है, ठीक है, डी यहाँ पे है। तो डी से एक वायर लेकर, देखिए डी से एक वायर निकला है, गैल्वेनोमीटर के एक एंड पर लगा दिया वायर को, और गैल्वेनोमीटर के दूसरा वायर जो है फ्री है, ये दूसरा वायर जो है फ्री है, और ये इस वायर को कहीं भी टच करेगा, जहाँ पर भी टच करेगा वो वैल्यू बी बन जाएगी। अभी हम इसको नहीं टच कराएंगे, पहले
पहले हम टच नहीं कराएंगे, पहले हमारा केवल ये एंड है, ठीक है? क्लियर हो गया? बोलिए, डी मिल गया, अभी बी, अभी बी नहीं पता है कहाँ पर है, ठीक है? बी को पता करने के लिए क्या करेंगे हम, बैटरी कनेक्ट हो गया, बैटरी कनेक्ट होने की वजह से क्या होगा, करंट जाने लगेगी, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी सर्किट में, और इस हम ये जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड है इसको हम वायर के ऊपर टच कराना स्टार्ट करेंगे। टच कराते कराते हम क्या देखेंगे, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखेंगे। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हम देखेंगे इस तरह से कि अगर इधर रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर में मे बी लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन हो, दूसरे एंड पर इधर रखेंगे इस वायर को तो मे बी डिफ्लेक्शन राइट साइड हो। तो हमें एक ऐसी पोजीशन फाइंड आउट करनी है इस पूरे वायर पर कि इसको जब हम टच कराएं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है जीरो हो, ना लेफ्ट में हो ना राइट में हो। तो जब वो पोजीशन मिल जाती है जहाँ पे, वही होता है बिंदु बी, ठीक है? फिर से हम रिपीट करते हैं। वीट स्टोन ब्रिज से इसको हमने मैच कराया था तो सारे पॉइंट तो क्लियर हो गए, बस बचा हुआ है कि इस गैल्वेनोमीटर के एक एंड से डी को कनेक्ट कर दिया, इसका दूसरा एंड है फ्री। ये एंड यहाँ भी हो सकता है, ये एंड यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी इसको फाइंड आउट करने के लिए बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, यानी इस कुंजी को अगर निकाल लेंगे बैटरी डिसकनेक्ट हो जाएगी, और ये की को अगर हम इंसर्ट कर देंगे तो बैटरी आपकी कनेक्ट हो जाएगी सर्किट में। बैटरी कनेक्ट होने के बाद करंट फ्लो करने लगेगा, और उसके बाद हम गैल्वेनोमीटर से जो हमारा फ्री एंड निकला हुआ है इस फ्री एंड को एक बार लेफ्ट में और एक राइट, एक बार राइट में वायर पर टच कराएंगे, देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में अपोजिट एंड्स पर टच कराने पर अगर गैल्वेनोमीटर में अपोजिट डिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमारा सर्किट सही है, ये भी चेक करना जरूरी होता है। कभी कभी होता क्या है कि पूरे वायर में इस वायर को मूव करते हैं और डिफ्लेक्शन एक ही साइड होता रहता है, इसका मतलब सर्किट कहीं ना कहीं गलत जुड़ा हुआ है। तो सर्किट कनेक्टिविटी सही चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर के वायर को एक बार इस एंड पर और एक बार इस एंड पर अटैच कराते हैं, और अगर डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब सर्किट सही है। अब चूंकि डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या है कि जीरो कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा, तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट आते हुए हमें एक ऐसी पोजिशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जिस जगह पर हमें जीरो मिलता है, मान लिया यहाँ मिलेगा, तो ये बिंदु पी बन जाएगा, सॉरी पी नहीं, ये बिंदु बी बन जाएगा, ठीक है? और जहाँ पर बी बनेगा वो वहाँ से वहाँ तक की दूरी एल हो जाएगी, और बाकी चूंकि 100 सेंटीमीटर का है इसलिए बची हुई दूरी 100 माइनस एल हो जाएगी। ये बात क्लियर है? बोलिए। ओके मैम, अब जब ये क्लियर है तो अब आप कहेंगे कि हमें, अब हमें ये मिल गया कि ए बी आर्म तो मिल गया, ए बी आर्म भी मिल गया और बी सी आर्म भी मिल गया, लेकिन ए बी और बी सी आर्म का जो जो प्रतिरोध है पी और क्यू, ये कहाँ से मिलेगा? भुजा तो मिल गई लेकिन प्रतिरोध कहाँ से मिलेगा? तो प्रतिरोध कैसे मिलेगा, इसके लिए जो हमारा वायर है नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटन वाला, मान लेते हैं कि उसके पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आर है, स्मॉल आर है, ठीक है? पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस अगर स्मॉल आर है तो पूरे लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर एल लंबाई की तार है तो एल आर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर लंबाई की तार है तो 100 आर होगा कि नहीं होगा? हेलो, हेलो, यस मैम, यस मैम। पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पी हमने हमें क्या कंसिडर करना है, पी और क्यू निकालने के लिए पर यूनिट, अब म्यूट कर लो बच्चों, म्यूट कर लीजिए। हाँ देखिए, पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है, हमने मान लिया कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है आर है, इसके लिए है वन यूनिट, पर यूनिट लेंथ के लिए है। तो पी, अरे ए बी आर्म का लेंथ कितना है, ए बी आर्म की लेंथ एल है, तो ए बी आर्म में इतनी सी लेंथ की लंबाई जो है, सॉरी इतनी सी लेंथ का रेजिस्टेंस आर है, तो पूरे एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल आर होगा। तो पी का रेजिस्टेंस निकल आया, पी बराबर आ जाएगा एल आर के, क्या हो गया, ठीक, पी बराबर एल आर के हो जाएगा। इसी प्रकार
हमारी बीसी की लंबाई कितनी है? बीसी की लंबाई है 100 माइनस एल, तो पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है आर, तो बीसी लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो क्यों बराबर हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू आर। क्लियर है ये बात? आर ठीक है ना? यस मैम। बस यस मैम, कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट आपका। अब आगे बढ़िए, इतनी बात आप समझ गए। अब इसके बाद कुछ नहीं रखा है। अब इसके बाद क्या करना है, हम ऊपर चलते हैं। हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या कहता है, P by Q equal to R by S। इसको अप्लाई करेंगे हम। जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखिए P का मान कितना निकल के आया है, एल आर रखेंगे। Q का मान 100 माइनस एल इंटू आर रखेंगे। R नोन है, S अननोन है। देखिए आगे क्या होता है, आया ये चीज दिख रहा है? तो यहाँ से S का मान कितना निकल आएगा, इसको आप इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको भी नीचे ले आएंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, एस इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल। स्मॉल आर तो घट गए, कट गया, तो इसका मतलब अगर आपको जो एक मीटर लंबाई की जो वायर है अगर उसका रेजिस्टेंस नहीं भी पता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस था वो तो कट गया। और हमारे पास क्या आ गया, एस इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल, तो हमको एल पता होना चाहिए, आर पता रहेगा, तो इसका मान निकल आएगा यहाँ से। तो ये फॉर्मूला बन गया, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? पूरा थ्योरी इसलिए बताया है कि आपको पता रहे कि एल क्या चीज़ है। तो एल वो चीज़ है कि एक सिरे से जहाँ पे आपको जिस बिंदु पर वायर पर, अच्छा एल निकालेंगे कैसे, एल निकालने के लिए देखिए एल निकालने के लिए देखिए आपके पास ये है मीटर स्केल लगी ना, यहाँ पे मीटर स्केल से आप नाप लेंगे कि आपका एल का मान कितना है, ठीक है? मीटर स्केल से नाप लिया जाता है। मान लिया कि अगर ये 40 सेंटीमीटर पर अगर मिला है तो एल की वैल्यू 40 हो जाएगी, और मतलब ए बी की वैल्यू 40 हो जाएगी लेंथ, और बी सी की लेंथ हो जाएगी 100 माइनस एल, ठीक है? तो मीटर स्केल इसीलिए लगा रहता है लेंथ को नापने के लिए। और आर क्या है, आप कहेंगे आर भी तो नहीं पता है, आर पता है। जब हम बैलेंस कंडीशन निकालते हैं तो बैलेंस कंडीशन कैसे निकाली जाती है, बैलेंस कंडीशन निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, जैसे आर की कोई वैल्यू हमने, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा होता है इसमें कई सारे बीच बीच में रेजिस्टेंस लगे होते हैं, आपका जीरो से लेके इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में होता है। एक ओम का होगा, दो दो ओम के दो लगे होंगे, पाँच ओम का होगा, दस ओम का होगा, ठीक है? बहुत सारे कीज होती हैं, आप जो भी की निकालेंगे, जैसे मान लीजिए इस तरह की लगी रहती है, जो की आप आउट कर देंगे सर्किट में उतना रेजिस्टेंस काम करने लगता है, ठीक? तो जो भी रेजिस्टेंस बॉक्स आप लगाएंगे और उसके जो भी रेजिस्टेंस आप अप्लाई किए रहेंगे 100 ओम 10 ओम, तो ये आपको नोन रहेगा उस समय। तो आर भी नोन हो गया, एल निकल आएगा मीटर स्केल से, 100 माइनस एल भी निकल आएगा। तो आपका जो फॉर्मूला है इस स्लाइड पे, आपके फॉर्मूले से एस का मान भी निकल आएगा, ठीक है? तो ये है मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल। आपका एक्सपेरिमेंट तो चूँकि करना नहीं है आपको, अगर एक्सपेरिमेंट करना रहता है तो एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं हम लोग कि बस जैसे आपको बताया है, एस की जगह पे एक वायर लगा देते हैं, आर की जगह पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है, उससे डिफरेंट डिफरेंट पहले एक रेजिस्टेंस निकाल के उसके करस्पॉन्डिंग नल पॉइंट प्राप्त करते हैं, एक रीडिंग मिल गई। इसी तरीके से कैपिटल आर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए 5-6 सेट की रीडिंग निकाल लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एस की वैल्यू भी अलग अलग आ जाती है, ठीक है? और जब एस की वैल्यू अलग अलग आया सबका मीन ले लेते हैं, निकल आता है। क्लियर? अब इसमें आपका है, ये आप पढ़ लीजिएगा जो नोट दिए हुए हैं, इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं मीटर ब्रिज की, देखिए ये सब ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अपनी हिंदी मीडियम की बुक से देख लीजिएगा आप लोग। पीओ बॉक्स है नहीं सिलेबस में, इसको हटा देते हैं।
डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक पेज यहाँ से रह गया है, पोटेंशियल ग्रेडिएंट, पोटेंशियल मीटर, पोटेंशियल मीटर भी आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, चलिए यहाँ चलते हैं। स्टार्टिंग में दिखाया ना आपको, सिलेबस में नहीं था। देखिए एक पेज छूट गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लाइव कर दे क्या? अच्छा उसको रोकिए, क्या है आप उसके आगे को ये हीटिंग इफेक्ट बढ़ा देते हैं। बेटा कर लो जल्दी को, अभी मोटा मोटा अगर मान के चलते हैं 20 दिन है हमारे पास और चार चैप्टर खत्म करना है ना। और इसमें इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इसका लगा लीजिए। पोटेंशियोमीटर के बाद आपका इसमें क्या लिखा हुआ है, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट पढ़ लीजिए जल्दी से, कुछ नहीं है इसमें। देखिए हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे आप खुद भी महसूस किए होंगे कि आपके पास जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल, देखते हैं ज़्यादा देर तक अगर आप गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होने लगता है, होता है ना। तो यही होता है हीटिंग इफेक्ट, इसी को हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो लिखा है कि वेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, व्हिच इंक्रीज इंडिकेट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी, दिस फिनोमेना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। यही हमने बताया आपको कि आप जब भी किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, जो हमारे घर में हो या कोई भी वैद्युत उपकरण होते हैं, उनमें करंट फ्लो करता है तो कुछ देर बाद देखा जाता है कि करंट फ्लो होने की वजह से वो गर्म हो गया है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है हीट एनर्जी में, ऊष्मा में, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटल या कंडक्टर जो होता है वो गर्म हो जाता है। इसी प्रोसेस को हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। अब हीटिंग इफेक्ट में जो भी हीट निकल रही है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अगर आई करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में और कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर है, टी टाइम तक करंट फ्लो हो रही है, तो जो भी हीट प्रोड्यूस होगी दैट कैन बी गिवन बाई एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक। और ये पूरा यही लिखा हुआ है आपका, इसमें क्या है, एक कंडक्टर है, देख रहे हैं आप, बैटरी से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इधर उधर जाने लगेंगे, जाने की वजह से क्या होगा, उनके बीच में आपस में कोलिजन होगा, कोलिजन होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव लाइन से टकराता है तो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा। अब किसी के पास अपनी एनर्जी तो पहले से ही है, उसके बाद उसको दूसरी एनर्जी भी मिल गई तो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड होने की वजह से क्या होता है, मे बी वो अपने अपर स्टेट में भी चला जाए, ठीक। तो जब ज़्यादा एनर्जी मिलने की वजह से क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट जनरेट होने लगती है क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी फ्लो करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इस वजह से क्या होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देखिए कहीं लिखा हुआ होगा, देखिए वेलोसिटी एंड कॉन्सिक्वेंटली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, दे कोलाइड विद एटम्स वंस अगेन एंड ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी टू द अदर एटम्स। तो यही बात हमने आपको बताई कि जब आपस में टकराते हैं तो अपनी एनर्जी को दूसरे एटम को ट्रांसफर करने लगते हैं, और ड्यू टू द कंटिन्यूअस कोलिजन टेम्परेचर ऑफ द एटम्स बिगन टू राइज, दिस टेम्परेचर ऑफ द करंट, जिस वजह से जो कंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है, ठीक है। क्यों होता है, जैसे हमने आपको पहले बताया कि जब आपस में टकराते हैं, टकराने की वजह से अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, एनर्जी इंक्रीज हो जाने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और ये कंटिन्यूअस कोलिजन चलता रहता है, कोलिजन मतलब टकराव, आपस में अगर ये टक्कर चलती रहती है तो वो उसकी वजह से क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को बार बार धक्का मारिए, देखिए हथौड़े से किसी मेटल को पीटते हैं तो क्या होता है, मेटल गर्म हो जाता है, कभी कभी तो इतना हो जाता है कि वो लाल भी दिखने लगता है, कंटिन्यू मारते रहिए तो रिजल्ट क्या है कि मटेरियल जो एटम्स होते हैं वो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और कंडक्टर का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हीट बाई इलेक्ट्रिक करंट, वही सब है बार बार लिखा, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, ठीक है। अगर हम वी के टर्म्स पे निकालना चाहें तो क्या होगा, हीट करंट,
चलिए, यू नो डेट डब्ल्यू इज्कवल टू वी क्यू होता है, आपको पता है कोई भी सर्किट है ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, ये निकालना है कि इसके थ्रू कितना भी एनर्जी जो है सॉरी कितना हीट डेवलप करेगा ये, ठीक। तो हीट डेवलप करने के लिए पहले हमें एनर्जी हीट निकालने के पहले हमको एनर्जी पता होनी चाहिए, एनर्जी निकालने के लिए हमको वर्क पता होना चाहिए, क्योंकि वर्क ही जो होती है एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो डब्ल्यू इज्कवल टू वी क्यू होता है, आप जानते हैं क्यू इज्कवल टू आई टी होता है, तो W इज्कवल टू क्या हो गया, V इज्कवल टू आई टी आई आर रखेंगे, W इज्कवल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया, ठीक। I का मान V बाई आर रखा है, इसको सॉल्व करेंगे W इज्कवल टू V स्क्वायर अपॉन आर हो गया, तो H इज्कवल टू V आई टी या I स्क्वायर आर टी, मतलब एक इक्वेशन को दूसरे में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो तीन फॉर्मेट है, V आई टी है, I स्क्वायर आर टी है और V स्क्वायर अपॉन आर टी है। तो इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो जो वैल्यू आपको दी हो वी और आर दिया हो तो आप तीसरा वाला यूज करेंगे, आई आर दिया है तो दूसरा यूज करेंगे, वी और आई दिया है तो आप दूसरा यूज करेंगे। कुल मिला के एक चीज़ देख रहे हैं क्या आ रहा है, पी और आई पी टी आ रहा है पी इजक्वल टू पावर होता है, पावर इज वी इंटू आई होता है, तो एच इजक्वल टू वी आई टी है, तो एच इजक्वल टू पी इंटू टी है, यानी जितनी पावर कंज्यूम करेगा उतना ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका देखिए इलेक्ट्रिकल पावर आ गया, वही चीज़ फिर से, इलेक्ट्रिकल पावर ये है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल सोर्स इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स है मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है पर यूनिट टाइम में एकांक समय में वो कितना काम करता है यही उसका इलेक्ट्रिकल पावर होगा। वैसे भी आप पावर की जो डिफिनेशन है वही है, P इज इक्वल टू यानी शक्ति या सामर्थ्य का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिक के केस में भी वर्क डन अपॉन टाइम है, वर्क P इज इक्वल टू वी आई होता है। तो ऊपर वाले इक्वेशन W का मान निकला है वहाँ से रखेंगे टी टी कैंसिल हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई आ गया, तो यहाँ से ये आ गया। इसका जो मात्रक होता है वॉट में लेते हैं और हॉर्स पावर में, वन हॉर्स पावर 746 वाट होता है, और जो भी आपकी हीट है एच जो बताता है वो हॉर्स पावर में ही निकाला जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब सारे चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम क्यों होगा, वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अलॉन्ग अ सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए जितना काम करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, वर्क डन ही ओवरऑल मिलाकर इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज द इलेक्ट्रिकल पावर, और ये भी वही है, ठीक, ये जूल है, एक जूल जूल अपॉन टाइम करेंगे, इसकी भी इसका भी मात्रक वही आएगा, वाट का ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो एनर्जी जनरली देखिए आप भी कोई भी इक्विपमेंट लिखा होता है, कोई भी आप इलेक्ट्रिक का सामान खरीदने जाते हैं तो उसका पावर कंजम्पशन जनरली पढ़ा था कितने वाट का है, कितने किलो वाट का है, तो ये सारी चीज़ें किलो वाट में मेजर की जाती है, ये बताता है कि वो इक्विपमेंट कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। एक किलो वाट प्रति आवर आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आएगा 3 × 10⁶ जूल के, तो ये सब चीज़ आपके याद करने की है। छोटे छोटे देखिए सब ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस ही हैं, ये इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड बन जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब एडवांटेज में क्या रखा आप जानते हैं, इसको पढ़ लीजिए, वाटर सप्लाई हो, मतलब घर में हम कोई भी सामान यूज करते हैं सब कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही तो है, तो ऑल दिस थिंग्स वही चीज़ लिखा हुआ है, न्यूक्लियर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, पेट्रोल डीजल में जो भी है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर से, वाटर सप्लाई अपलैंड बाय द इलेक्ट्रिकल पंप, हम कुछ भी चला रहे हैं, हम हवा ले रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स आर दी कंज्यूम आर दी एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही हमें एडवांटेज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन जैसे बल्ब बनाने में है, हमें रोशनी मिलती है, रोशनी इसलिए मिलती है कि जो भी फिलामेंट लगा होता है, जो भी वायर यूज होता है, उसको इतनी एनर्जी दी जाती है, उस पर इतना करंट फ्लो किया जाता है कि वो इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि सॉरी इतना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि वो टूट जाए, ब्रेक डाउन कर जाए, जितना कि वो उसकी जितनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमने क्या बताया था, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डेट
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन, बिना ब्रेकडाउन हुए कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकता है वही उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो इसका डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। बल्ब फिलामेंट शाइन करता है किस वजह से, उसमें फ्लो ऑफ करंट होता है, फ्लो करंट होता है जिसकी वजह से उसका फिलामेंट जितना होगा उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के होता है। नाइक्रोम वायर यूज इन हीटर, आयरन हीटर जलता है, आप देखते हैं घरों में लोग हीटर यूज करते हैं, जैसे ही करंट जानती है हीटर कम वोल्टेज रहता है तो हल्का सा रेड कलर दिखाई देता है, ज़्यादा वोल्टेज होता है तो ऑरेंज पीला इस तरह दिखते हैं। तो ये कलर्स आ रहे हैं ये हीट की वजह से होता है, एक्चुअली तो अपना नाइक्रोम मटेरियल का होता है जनरली ग्रे कलर का दिखाई देता है लेकिन हीटिंग इफेक्ट ही है ये सारी चीज़ें। हाई पावर अलाउज हाई करंट, फ्यूज वायर मेल्ट्स ड्यू टू हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये सब आप पढ़ लेंगे ना, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब आप पढ़ लीजिए। ठीक है, हो गया ये आपका। सीआरओ बचा है, सीआरओ आपको बता दें तो कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे या कल हम इस पर बेस्ड एमसीक्यूज कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अब कल मिलेंगे।